कैसी हो? तुम्हारी दुश्मनी मेरे पिताजी से है, कर्जा उन्होंने तुमसे लिया था, उसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वसूल करने के लिए तुम्हारे उस लीचड़ बाप के पास है ही क्या? मेरा कर्जा उसका सूद तुम सब चुका सकती हो। तुम्हारी इस खूबसूरती को अच्छे दाम में खरीदने वाले बहुत है मेरे पास, और फिर बाप का कर्जा बच्चे नहीं चुकाएंगे तो और कौन चुकाएगा? हाँ, मेरे कर्जे की पहली किश्त तुम कल चुकाओगी, तैयार रहना। इतनी बड़ी बस्ती में मोहिनी को ढूंढना काफी मुश्किल है, पता नहीं किस अंधेरी कोठरी में होगी। ऐसा करते हैं, हम सब बस्ती में फैल जाते हैं, जिसको भी मोहिनी की पहले खबर मिलेगी वो हम सबको खबर कर देगा। तू अगर अच्छे घर की है तो हम क्या बुरे घर के हैं? ये सारी लड़कियां बुरे घर की हैं। अरे काम नहीं करेगी तो तेरे सौतेले बाप को जो पैसे दिए हैं वसूल कैसे होंगे? मैं आपसे बेइज्जती करती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं ऐसी गंदी बस्ती में काम नहीं कर सकती, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। ये लड़का भागने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि बोझा नहीं उठाऊंगा। अच्छा, ये ले, ठीक है ठीक है, ये ले, छोड़ना मत, पकड़ के Thank you.
बस्ती से निकल गई तो एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। जाओ मेरी बस्ती से जिंदा बचकर जा नहीं सकेगा तू। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और तू ही मुझे यहां से ले जाएगा। चल जा। ए बिजट, ज्यादा होशियारी की तो चाकू घुसेर दूंगा पठान के अंदर। चल चल बेटा, पूरी लोग चलो भागो यहां से। तेरी हिम्मत की दाद तो तेरा दुश्मन भी देगा मुन्ना, क्योंकि मेरे इशारे के बगैर इस बस्ती के बाहर एक सुई तक नहीं जा सकती, और तू इस लड़िया को ले जा रहा है। मैं यहां से सिर्फ ये लड़की नहीं ले जाऊंगा। आज मैं तुम्हारी पाप से भरी लंका को जलाकर राख करके जाऊंगा। की गाड़ी काश को पीछे धक्का दे। पड़ी निकल पड़ी, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, बबल पार्टी जिंदाबाद। ओ ऐसा क्या दे? तुम लोग आजाद हो जाओ, अपने अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी। आज के बाद लोटिया पठान की जिंदगी का एक ही मकसद होगा, मुन्ना की मौत।